हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स का पोर्शन है क्लास टेंथ का। देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आज के डेट में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि घर में, बाहर, ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ है। आजकल हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लग गए, मेट्रो वगैरह सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं आजकल। और जितनी भी ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन भी आजकल ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और हमारे होम में और हमारी फैक्ट्रीज में, हमारा जब जितने भी मशीन्स वगैरह चलते हैं और जितने भी अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स घर में जो सामान होता है, वो सब किससे चलते हैं स्टूडेंट? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो आज की डेट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि उसकी मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, इसने यहाँ बोला है इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है किसका, एनर्जी का, ठीक है। विच इज़ यूज टू रन द मोस्ट ऑफ अवर मशीन्स एंड अप्लायंसेस। हमारे जितने भी मशीन्स और जितने भी अप्लायंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस और मशीन्स हमारे किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ओके। तो फर्स्टली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हम उसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कब आता है और इसके टाइप कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैं हमारे, दो टाइप के। फर्स्टली है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंडली है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए डेली रूटीन का एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में देखिए क्या होता है, जिससे कॉम्ब होता है हमारा, जिसे हम कंघा बोलते हैं, जो प्लास्टिक का होता है। तो अब जब हम उसे ऐसे ही किसी पीस, कागज़ के पीस के ऊपर रखते हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब हम उसे ड्राई हेयर्स में अपना एक बार उसे रफ़ कर लेते हैं, उस कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर में रफ़ कर लेते हैं, तब उस पर रखते हैं, किसी के कागज़ के ऊपर रखते हैं, तो वो कागज़ अट्रैक्ट करने लगता है उसे, सॉरी वो कॉम्ब जो है वो कागज़ को अट्रैक्ट करने लगता है, वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे चार्ज होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं डेली रूटीन में। तो उसके इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है और इससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या इसका रोल है, ठीक है। अब देखिए टाइप पढ़ते हैं इसके। टाइप क्या है, पॉजिटिव है ये बता दिया, और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है और नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, ये हम अब जान लेते हैं। देखिए, एक गिलास रॉड देते हैं, जो कि गिलास, कांच की गिलास की एक रॉड देते हैं, रब्ड करते हैं विद सिल्क क्लॉथ्स, उसको सिल्क क्लॉथ्स कपड़े से उसको रफ करते हैं। जब उसको रब करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये तो आप करके भी देख सकते हैं और उसको मतलब एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पीस, पेपर का पीस लिया और कॉम के बारे में बताया कि कैसे वो उसको अट्रैक्ट करता है और कब करता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंडली देख लीजिए, द चार्ज एक्वायर्ड बाय एक यूनाइट रॉड लेते हैं, उसको रब्ड करते हैं वूलन क्लॉथ से। किससे, वूलन क्लॉथ से उसको रब्ड करेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट कि जब इससे हम इसको रब्ड करेंगे तो उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में आगे चलते हैं और भी डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जो पॉजिटिव इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रहा होगा, देखिए जो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो हैं हमारी फर्स्टली प्रॉपर्टीज़ में दे रखा है इसकी चार्ज की, जो अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं और जो अनलाइक होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अपोजिट चार्ज कौन कौन से आप मान सकते हो, पॉजिटिव होता है। देखिए आपने टाइप पढ़ लिया कि टाइप कितने होते हैं चार्ज के, दो टाइप होते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक है हमारा पॉजिटिव है और एक है हमारा पॉजिटिव और एक है हमारा नेगेटिव, ओके स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्टली इसने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में दे रखा है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, तो ये देखिए अपोजिट चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे सेम चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारे कैसी कंडीशन बन सकती है, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए ये दो जो हैं वो हमारे लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, क्योंकि ये हमारे सेम चार्ज हैं, ठीक है। तो लाइक चार्ज हैं, उसको हम सेम बोल सकते हैं कि हमारे सिमिलर चार्ज बोल सकते हैं और सेम चार्ज भी बोल सकते हैं, ये हमारा सिमिलर भी है, ठीक है, सिमिलर चार्जेस। अब देखिए ये जो दो हैं, ये दो जो हैं जो कि हैं अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के फर्स्ट पॉइंट में इसके अपोजिट
चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में इसने यही बोला है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज और सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब जो अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। अगर माइनस प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक जगह मिलाएंगे, मतलब आपस में जॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसने प्रॉपर्टीज़ में बताया है। देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अपोजिट चार्ज आर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। रिपेल का मतलब दूर करना, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब पास बुलाना, ठीक है। तो इसके देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमारा कूलाम होता है, जिससे किससे डिनोट करते हैं हम कूलाम को, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना हमारी, तो कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस हो जाती, मतलब उसमें फ्लो करने लगती है ईजिली, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करा सकते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, मतलब कि अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए हम इस कंडक्टर के और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर कौन से सब्सटेंस होते हैं और इंसुलेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं। देखिए दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड ए कंडक्टर, मतलब जो वो सब्सटेंस हैं ये जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको बात याद रखनी है कि कंडक्टर किसे बोलते हैं, और वैसे भी आपने लास्ट क्लासेस में बहुत पहले ये पढ़ चुका होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए कि ऑल मेटल्स एंड लाइक सिल्वर कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये जितने भी मेटल हैं हमारे पास, और आपको एग्जांपल दे रखे हैं सिल्वर के, कॉपर और एल्युमिनियम का एग्जांपल दे रखा है आपको, ये हमारे क्या है, कंडक्टर हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप ये भी ध्यान रखिए ऑल मेटल्स हमारे क्या है, कंडक्टर, ठीक है। अब सेकेंडली हम पढ़ते हैं इंसुलेटर के बारे में। देखिए इंसुलेटर क्या है, दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, या फिर ऐसे बोल सकते हैं चार्ज फ्लो नहीं होता या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि जिसमें चार्ज फ्लो होता है उसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसमें इसने बोला दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो आर कॉल्ड ए इंसुलेटर, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है ग्लास कांच का, इवोनाइट का, रबर का, और मोस्ट प्लास्टिक का, वुडन का, कॉटन का, ठीक है। ये सारे एग्जांपल इसने दे रखे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए क्या होता है स्टूडेंट की कंडक्टर, आप देखिए कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें क्या होता है, इसमें क्यों हमारे इलेक्ट्रिसिटी उसी में क्यों फ्लो होता है, ये आपने सोचा, और इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो होता। देखिए क्या होता है कि जो सब्सटेंस कंडक्टर का जो सब्सटेंस होता है उसके पास एक एटम होता है। एटम के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि एटम कैसा होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर। देखिए ये एटम है हमारे पास, एटम है, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारे एक न्यूक्लियाई होगी, और एक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और होगा हमारा प्रोटॉन, ठीक है, और क्या होगा हमारा प्रोटॉन। देखिए क्या होता है कि जो कंडक्टर के सब्सटेंस के जो एटम होते हैं उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियाई होते हैं उनसे काफ़ी दूर होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब टाइटली नहीं होते, फ्रीली होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना स्टूडेंट, वही हमारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो इजीली मूव हो जाते हैं, तो और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं अपने अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियाई एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम न्यूक्लियाई से ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। यही इसका रीजन है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है और इंसुलेटर में नहीं हो पाती, ठीक है। अब देखिए थर्डली देखते हैं क्या, देखिए अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड करता है, जो मतलब चार्ज उसके अंदर फ्लो होता है तभी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। देखिए इसमें बोला है द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का है, और चार्ज क्या है हमारा, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारा चार्ज है, ठीक है, इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर सच एज मेटल वायर, जो मेटल वायर है, कंडक्टर क्या है हमारा, मेटल वायर हम उसको कंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है हमारा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर फ्लो होती है, ऑल मेटल्स के अंदर,
तो मेटल्स वायर हमारा क्या होगा, कंडक्टर होगा। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली इसने डेफिनेशन में बोला है कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, ठीक है, विच मेक्स अ इलेक्ट्रिक चार्ज और अ करंट टू फ्लो इन द वायर, ठीक है। इसने क्या बोला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, जैसे कि हमारे पास एक वायर है, इलेक्ट्रिक मेटल वायर है, हमारे पास ये मेटल वायर है, ठीक है। इसमें क्या है स्टूडेंट कि ये हमारे पास मेटल वायर है और ये हमारा पॉइंट वन है, यहाँ से स्टार्ट होती है पॉइंट ए, पॉइंट बी। जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसमें बोला है इट इज़ अ पोटेंशियल बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू मेक अ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज बनाने की जो वर्क लगा है उसमें, वही हमारा क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अभी आपको समझ में आएगा इसके डेफिनेशन, जब मैं आपको बताऊंगा आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। फर्स्टली ये जान लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या है, फर्स्टली जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फर्स्टली ये भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्विच है, स्विच है, और ये हमारे पास एक बल्ब है, आपको नहीं दिख रहा, देखिए ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास एक सेल है या बैटरी बोल सकते हैं, ये हमारे पास की है या ये बोल सकते हैं प्लग की, और ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा ये। तो देखिए इसमें क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू पॉइंट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही अब देखिए डिफाइन कर रहा है इसमें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। देखिए क्या होता है, जो जितना वर्क लगा, जैसे कि यहाँ से चार्ज स्टार्ट हुआ, यहाँ से चार्ज स्टार्ट होने के बाद इसने यहाँ पे किया, यहाँ हुआ फिर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और जितना वर्क इसको यहाँ से लाने में यहाँ पे लगा मूविंग चार्ज को करने में, जितना भी वर्क डन लगा उसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। तो किसके लिए वर्क डन लगा, किसके लिए वर्क लगा इसको, मूविंग चार्ज, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल को यही बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, ठीक है, पर मूविंग चार्ज, ठीक है। अब क्या है कि इसने आगे देखिए ये बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इसका ये हुआ कि जितना वर्क लगा हमारे किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए वन पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के जो बीच के दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, इसमें हम इसने बताया था द पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर बताया था द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ऑफ द वायर विच मेक्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है तो उसी को, और करंट बनाता है टू फ्लो इन अ वायर, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो कि वायर में फ्लो होता है, ठीक है। इसने सिंपली ये बोल दिया, देखिए मैंने आपको सर्किट में बारे बताया था कि क्या होता है कि जो चार्ज होता है यहाँ से यहाँ तक मूव होता है, यहाँ तक पूरे में वर्क पूरे सर्किट में मूव होता है। पूरे सर्किट में मूव होने के बाद क्या होता है कि जो जितना वर्क डन लग रहा है यहाँ से इस चार्ज को मूव कराने के लिए यहाँ तक वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। देखिए क्या हुआ था कि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट आया था, जो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है स्टूडेंट। देखिए क्या है कि ये जो है हमारा वायर है, ये मेटल का वायर है, ठीक है, मेटल वायर है हमारे पास, और ये हमारे पास बल्ब है जो कि इसमें अटैच है, और यहाँ पे एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से हमारा चार्ज मूव होगा, यहाँ से मूव होने के बाद ये बल्ब को जलाते हुए यहाँ से यहाँ तक
ये की हमारा है, ये इसको की बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, जो हमारा ओपन है, ऑन है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, ठीक है। तो मूव होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसको देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन अपॉन टू मूविंग चार्ज, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए, और एंड द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जो फाइनल पॉइंट है इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी वर्क लगा इसको मूव कराने के लिए उसी को क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे चलते हैं, तो इसने बोला था अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना अमाउंट लगा वर्क डन मतलब जितना वर्क लगा मूविंग कराने के लिए एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट ऑफ चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो गए, यहाँ तक लगा एक यूनिट पॉइंट ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क लगा उसी वर्क को मतलब उसी को क्या बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए इसने क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले के साथ साथ इसने दे रखा है कि उसने SI यूनिट और उसको मेजरमेंट किस में करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो फर्स्टली पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज मूव्ड, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी से, और वर्क डन को डब्ल्यू से, और क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मतलब चार्ज को किससे करते हैं क्यू से। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल, वी को पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू को वर्क डन, और क्यू से क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मूव, ठीक है। इसकी SI यूनिट जो होती है स्टूडेंट, SI यूनिट आपको याद में रखनी है मतलब ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो बोल्ट होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, वी से, ओके। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या आया था टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी जान लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस जान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला देखिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ पे I क्या है स्टूडेंट, देखिए अगले में देखिए कि जो यहाँ पे I है इसकी SI यूनिट है जो हमारी करंट की, वो है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर A से, ठीक है। जो इसकी SI यूनिट है वो है एम्पियर, और जो जिससे हम डिनोट करते हैं इसको कैपिटल लेटर A से करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था स्टूडेंट, फॉर्मूला था हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए क्या है कि जो हमारा Q है वो हमारा चार्ज है, जिसको चार्ज हम किस में ऐसा यूनिट है चार्ज की, कूलम, और जो I है हमारा करंट है, एम्पियर है, जिसको हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास T है टाइम, जिसको हम सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो टोटल इसका जो नोट है, करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर। देखिए करंट जो मेजर होता है वो किस में होता है, एमीमीटर में मेजरमेंट होता है। देखिए इस टाइप का एमीमीटर होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है, ये हमारा नेडल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एमीमीटर, इस टाइप का एमीमीटर होता है। अब देखिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है, क्या दे रखा है आगे, देखिए क्या है कि डायरेक्शन दे रखी है हमें इलेक्ट्रिक करंट की, कि किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट कब और किस डायरेक्शन में मूव करता है, कैसे मूव करता है, ये बताया गया है हमारे लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने, तो हम सारे पॉइंट हमको पढ़ने चाहिए, मतलब किस पॉइंट में से क्या आ जाए आपको कुछ नहीं पता, देखिए तो हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। और NCERT के सारे जो भी NCERT जितने भी क्वेश्चन हैं आपको, अब देखिए MCQs टाइप क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने हैं, उसी में से MCQs बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे सारे NCERT के जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी जो हैं वो हमारे खुद की साइड से हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर आपको समझ आ सके, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑफ अ सेल, ठीक है। तो क्या है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, देखो सेल और बैटरी हमारा किस में कनेक्ट होता है, सर्किट में। सर्किट मैंने आपको बता दिया, सर्किट में क्या क्या होता है, बल्ब होता है, की होती है, और हमारा वायर होता है मेटल वायर, और हमारा सेल या बैटरी होती है, ठीक है, टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो हमारी पॉजिटिव से लेकर और नेगेटिव टर्मिनल तक जा रही है, ये बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, सर्किट है, क्या है ये, टोटल हमारा क्या है, सर्किट। तो इसने डेफिनेशन बोला है डायरेक्शन में कि जो हमारा सर्किट है, देखिए सर्किट बना लिया पहले हमने,
ये हमारा की है, स्टार्टिंग की प्लग बोल सकते हैं इसको हम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारा एक बल्ब है जो कि जलेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, बल्ब को, ठीक है। तो इसने ये बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, पहले पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा बल्ब जलाते हुए, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। ये हमारे डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो आप डेफिनेशन ईजिली ले सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आउटर सर्किट, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है कि हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, ये सब पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, ठीक है। इन अ मेटल वायर, देखिए मेटल वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। तो देखिए फर्स्टली क्या है, When the metal wire, जो हमारे पास metal wire है, metal wire में तो electric current flow होगा, तो metal wire लेंगे हम circuit के अंदर, ना कि कोई वैसी wire लेंगे जिसके अंदर जब conductor ही नहीं होगा, conductor wire ही नहीं होगा हमारे पास, तो electricity flow ही नहीं होगी। तो जब हमें electricity flow करानी है, उस पर experiment करना है, हमें ये देखना है direction क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए हम metal wire ही तो लेंगे, ना कि कोई non metal wire तो लेंगे नहीं। तो देखिए क्या है, when the metal wire has not been कनेक्ट टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब मेटल वायर हमारे किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होता है, मतलब कि ये है कि एक सर्किट है हमारे पास, ये ऐसे ही सर्किट है, देखिए ना हमारे पास कोई बैटरी है, ना कोई हमारे पास सेल है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ना हमारे पास कोई बैटरी है इस टाइम, और ना कोई हमारे पास सेल है। ये फर्स्ट केस है इसका जो उसने बताया है, व्हेन ए मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है सर्किट के अंदर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर हमारे पास या तो सेल होता है या फिर बैटरी होती है, जिससे कि हम करंट को फ्लो करा सकते हैं सर्किट के अंदर। तो इसने इसका मतलब ये है कि ना तो हमारे पास सेल है और ना ही बैटरी है। देखिए आगे भी दे रखा है, लाइक ए सेल और ए बैटरी, ठीक है। देन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट मूविंग, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा जो उसकी मूविंग होगी एट अ रैंडम इन ऑल द डायरेक्शन, तो उसका जब देखेंगे उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वायर मेटल वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी मूविंग क्या होगी। तो इसने बोला है कि इसमें जो इसकी डायरेक्शन होगी रैंडमली कहीं भी होगी, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगी। तो देखिए इसको शो कराया है हमने कैसे, देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए आप, मेटल वायर है, जब ये कंडीशन वो कंडीशन है जिसके अंदर ना तो कोई सेल प्रेजेंट है ना कोई बैटरी प्रेजेंट है, मतलब कोई भी सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, ये हमारा मेटल वायर है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है यहाँ पे मतलब इधर उधर है, कहीं भी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही बताया। अब सेकंड केस पढ़ते हैं कि सेकंड केस में क्या बोला है, तो इससे आपको पता चल गया कि जब बैटरी और सेल उसमें कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लाइक अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड, जब उसके दो एंड मतलब उसके वायर के एंड से जब कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैटरी और सेल्स को अटैच कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो मेटल वायर का जो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या लगेगा, देन इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्ट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंट इन द वायर, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे वायर के अंदर, वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हेन ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी, ठीक है, जो हमारे पास सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमारे पास सेल है और बैटरी है, किसमें, हमारे सर्किट में, ठीक है। इस कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटल वायर, मतलब उसके जो एंड है मेटल वायर के, जो हमारे पास मेटल वायर है, ये हमारे पास है मेटल वायर, देखिए ये हमारे पास है मेटल वायर, ये हमारे दो एंड है, इसके दोनों एंड से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, किसको, अपने सेल को, ठीक है, सेल या बैटरी को कनेक्ट कर दिया इसने, जितना बोला है इतना कर दिया। उसके बाद देन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होती है, एक्ट होती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी अप्लाइड होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होती है। उसके बाद क्या होता है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने एटम्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल
की तरफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं मूविंग, किसकी तरफ मूव करेंगे वो, नेगेटिव हमारे पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज की जो कंडीशन है, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। पॉजिटिव क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है हमारा इसके अंदर, तो सिंस आर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर मतलब पॉजिटिव के जो एंड है वायर का जो टर्मिनल है उसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। देखिए यहाँ पे आपको शो कराया गया है, देखिए यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं था बैटरी या सेल का, यहाँ पे हमने बैटरी अटैच कर दी है, जब बैटरी अटैच कर दिए तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे किसकी तरफ भागते हैं, इसकी डायरेक्शन देखिए किसकी तरफ है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ये भी वायर है, इसको शो कर दिया कि वायर के अंदर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की वो हमारे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होती है, पॉजिटिव टर्मिनल साइड होती है, मतलब और जो हमारे जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे और करंट हमारा इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यही हमने इसमें देखा कि पहले तो देखा हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट किस की डायरेक्शन क्या होती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है और किस किस कंडीशन में होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर एंड अदर्स रेजिस्टेंस लाइक बल्ब एंड द स्विच बिटवीन द टू एंड टर्मिनल ऑफ द सेल और ए बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड ए सर्किट। देखिए सर्किट के अंदर इसने डेफिनेशन में ये बताया है कि सर्किट के अंदर क्या क्या होता है। देखिए ये कंटिन्यूसली पाथ होता है, किसका, कंडक्टिंग पाथ होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। ये वायर और वायर होता है इसके अंदर एंड अदर रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं, हमारे बल्ब हमारे एक रेजिस्टेंस में आएगा, ठीक है, और एक इसके पास स्विच होता है, एक क्या होता है, स्विच होता है इसके पास, ठीक है, और बिटवीन द टू टर्मिनल, टर्मिनल दो टर्मिनल के बीच में एक स्विच होता है, और जो कि टर्मिनल क्या है हमारा, ऑफ द सेल एंड बैटरी, ठीक है, अलॉन्ग विद ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड ए सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी को हम सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट की जो कंडीशन है वो क्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होता है और एक सेल या बैटरी होती है और एक स्विच होता है, ये इसने बताया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जिसको हम रेजिस्टेंस बोला है इसने डेफिनेशन में, और ये हमारा टर्मिनल हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, जिसका सेल का टर्मिनल है, ये हमारा स्विच हो गया, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या बोला, दिस इज अ सर्किट डायग्राम, ये क्या है हमारा, सर्किट डायग्राम है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के और डिस्क्राइब किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, क्या मतलब किस कैसी कैसी कंडीशन बन सकती हैं सर्किट के लिए, क्यों एम्पियर और बोल्ट के बोल्ट मीटर के बारे में हमने एमीमीटर और बोल्ट मीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, तो उसको हम जब हम सर्किट में एमीमीटर लगा देंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा और वो क्या प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, मतलब उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको अगर हम सर्किट में लगाएंगे और कब लगाएंगे, ये भी देखना है, ठीक है। तो देखिए इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग अ प्लग की विच अलाउ टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इसके इस सर्किट के पास होगी एक प्लग की होगी जिसको हम स्विच बोलते हैं, वो क्या करेगी, अलाउ करेगी, क्या अलाउ करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में सर्किट में, ठीक है। सेकेंडली क्या है, इट हैविंग एमीमीटर ए, जिसको हम ए से डिनोट किया, ये हमारे पास क्या है, एमीमीटर है, विच इज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर अ मेजरिंग ए इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्या करेगा, मेजर करेगा किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, जो मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि एमीमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो इससे मेजरमेंट हो जाएगा, इस एमीमीटर से हम मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन द मेटल वायर, ठीक है, यही आपने बताया। अब थर्डली में देखिए, इट आल्सो हैविंग अ इलेक्ट्रिक सोर्स कॉल्ड बैटरी, इसके पास एक इलेक्ट्रिक सोर्स होगा जिसको हम बैटरी बोलते हैं, और सेल में क्या होता है, ये जो बैटरी होता है दो सेल से मिलकर बना है, ये देखिए दो सेल हैं इसमें जो कि एक बैटरी मिल गई, ठीक है, और हैविंग अ रेजिस्टेंस, और इसके पास एक रेजिस्टेंस होगा जो कि बल्ब, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने को रजिस्ट करता है, मतलब रोकता है। आगे रेजिस्टेंस के बारे में आप प्रॉपरली पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, फर्स्टली मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस वो होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में
रुकावट पैदा करता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रही है, वो इसके जब बल्ब जलेगा तो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नहीं लगेगी, मतलब यहाँ से कुछ अलग अमाउंट होगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट, और जब बल्ब जल जाएगा ये बीच में आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कम हो जाएगा। जैसे कि आपको डेली रूटीन अपने घर में ही देखते हैं कि ज़्यादा बल्ब जलेंगे तो आपकी जो लाइट होगी वो कम होने लगेगी, ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा ना लाइट पर, तो उसका जो बोल्ट होंगे वो कम होने लगेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही है एमीमीटर, तो ये एमीमीटर लगाया है मेजरमेंट करने के लिए कि करंट इसमें कितना फ्लो करना है। ठीक है, तो बस यही था आज की, देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन इज़ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, वही हमारा जो जितना वर्क लगता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, वही हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिंबल बी से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट है, वो सेम टू सेम वही है। देखिए सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, हमारे जो सिंबल्स हैं, जो कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो सर्किट के अंदर हम यूज़ करते हैं, मतलब इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, जो जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये हमारा सेल का है, क्योंकि इसके पास देखिए सेल का अपना रिमाइंडर कर लीजिए कि ये हमारा किसका है, सेल का, किसका सेल का, ये हमारा किसका है, बैटरी का, इसका बैटरी का, ये हमारा कनेक्टिंग वायर, बस एक कनेक्टिंग वायर है, ये हमारा है जॉइंट वायर, वायर में जो जॉइंट हो जाता है तब का है ये, और ये हमारा है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ये वायर क्रॉस कर रहा है, मतलब एक वायर को दूसरे ऊपर वायर से हमने कैसे क्रॉस कर दिया, तो विदाउट जॉइंटिंग के, जॉइंट ना करा और ऊपर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर दिया, तो उसका ये सिंबल है। ठीक है, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारा सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, एक सिंबल और होता है इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वो इस टाइप से होता है, देखिए ऐसे करके होता है, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एमीमीटर का ये सिंबल है, ये वोल्टमीटर का है, और ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर का, और ये हमारा ओपन स्विच का है। ये देखिए दो स्विच हैं, ओपन स्विच का सिंबल है, दो क्लोज स्विच के सिंबल हैं, ये हमारे बल्ब के सिंबल हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के। ठीक है, अब एक पॉइंट और अब याद रखिए नोट में, कि जो एमीमीटर होता है वो हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि सीरीज़ और पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, एक सर्किट बना के दिखाएंगे, और जब आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, अब अगली वीडियो में हम अपने, देखिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। एंड स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए, और देखिए कि घर में बैठ के पढ़िए, और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप दोबारा से जब रिवाइज करो तो अच्छे से रिवाइज हो सके, क्योंकि ऐसा है ना कि जो हम पढ़ते हैं ना, अगर वही नोट्स हमारे पास हों और उसी से हम रिवाइज करें तो हमारा सारा कुछ याद आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब आगे भी हम ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास टेंथ का। अब हम स्टार्ट करेंगे आज केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर की, फर्स्ट वीडियो डालेंगे, उसको भी आप जाके देखिए और अच्छे तैयारी करिए। देखिए तैयारी में अपना पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में आपको नहीं पता कि हो सकता है कि फर्स्ट टर्म आपका एग्ज़ाम हो जाए और सेकंड टर्म में लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि कंडीशन ख़राब भी हो सकती है, कभी भी ख़राब हो सकती है कंडीशन, कुछ नहीं कह सकते, तो सेकंड टर्म के आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं, तो फिर क्या होगा कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे सेकंड टर्म के, और टोटल जो आपका टोटल मार्कशीट बनेगी वो फर्स्ट टर्म के बेस पे ही बन जाएगी। तो अगर आपने फर्स्ट टर्म में मेहनत नहीं करी स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म में मेहनत नहीं करी और सेकंड टर्म आप दे नहीं पाई, तो क्या होगा कि आपके जो मार्क्स आए हैं फर्स्ट टर्म में उसी के बेस पर आपको सेकंड टर्म में नंबर दिए जाएंगे। तो इस जो अब रूल चलाया है ना, इस रूल ने CBSE ने, तो इस रूल से ये होता है कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था, और आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, और आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगती है और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर एक बार बताएं मुझे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जय हिंद।